हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यस, 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का हमने स्टार्ट किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या क्या देखा है, लेट्स रिवाइज एंड देन विल गो अहेड, ओके। तो नंबर वन हमने इंट्रोडक्शन देखा है, सरगना फ्रिज डिस्ट्रीब्यूट इन द टू इक्वल पार्ट्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड देन आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मीनिंग एंड डेफिनेशन। देन आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, देर आर थ्री टाइप ऑफ स्कोप। नंबर वन इज थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइजिंग, नंबर टू इज थियरी ऑफ फैक्टर प्राइजिंग, नंबर थ्री इज थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। देन नेक्स्ट वन इज वी हैव सीन फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन वी हैव सीन इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड यस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब मैंने क्या बताया था आपको स्टूडेंट्स, कि माइक्रो मीन्स स्टडी ऑफ लार्ज और एग्रीगेट और टोटल। एक देश की जो स्टडी होती है वो आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट माई मीनिंग। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एनालाइज द एंटायर इकोनॉमी। एंटायर इकोनॉमी का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है, पूरे देश की जो इकोनॉमी होती है उसको स्टडी करता है, एंड इट डील विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, लोग कितने रोजगार हैं, नेशनल इनकम, देश की इनकम, नेशनल आउटपुट, कितना देश को आउटपुट मिला है, देन टोटल इन्वेस्टमेंट, देश ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, टोटल कंज्यूम कितना, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, देश ने कितना पैसा बचा कर रखा है, जनरल प्राइस लेवल। मैंने आपको बताया हुआ था स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी एक ये कमोडिटी है, फॉर एग्जांपल अगर ये सिंपल कमोडिटी की बात करूँगी तो वो इंडिविजुअल प्राइस होगा, पर ऐसे बहुत सारे जो ब्रांचेस बन रहे हैं उनको हम जनरल प्राइस लेवल कहते हैं। एंड इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, ट्रेड साइकिल, देन बिजनेस फ्लक्चुएशन। बिजनेस फ्लक्चुएशन का मतलब होता है अप्स एंड डाउन्स इन द बिजनेस, कभी इन्फ्लेशन होता है, कभी डिफ्लेशन होता है। सो इट मीन मैक्रो इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ एग्रीगेट, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। डेफिनेशन देखते हैं। नंबर वन डेफिनेशन हैंसन ने दी है, वो डेफिनेशन जे एल हैंसन ने दी है। क्या बोलते हैं इस डेफिनेशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट सच एज वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड नेशनल इनकम। ठीक है, इसको डीप में डिस्कस करते हैं। नेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये ब्रांच है, किसका ब्रांच है, रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच का, लार्ज एग्रीगेट यानी कि टोटल और एग्रीगेट के बीच का रिलेशन, कौन कौन सी चीज़ का, वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितना एम्प्लॉयमेंट इस साल इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, देन टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग, कितनी सेविंग हुई है नेशन की, देन नेशनल इनकम, देश की इनकम में कितना बदलाव आया है, कितने अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। ओके, तो द फर्स्ट डेफिनेशन आपको आई होप सो समझ में आएगी। नंबर टू प्रोफेसर कार्ल ने दी है। तो कार्ल का कहने का मतलब है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, किस तरीके से इकोनॉमी पूरे देश में फंक्शनिंग करती है, कहाँ पे रिसोर्सेस को फुलफिल करती है, रिसोर्सेस को जहाँ पर रिक्वायर्ड होता है वहाँ पर और एडिशनल चीज़ें यूज़ करती है, तो ये टोटल फंक्शनिंग है ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो आज हम लोग का आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आपको चार्ट दिख रहा है यहाँ पे कितने स्कोप है, देयर आर फोर स्कोप्स। नंबर वन इज थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, थियरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, कितना कंज्यूम किया है उसमें से आपने कितना सेव करके इन्वेस्ट किया है, और थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल। नंबर टू है थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, द नेक्स्ट थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड द लास्ट वन इज थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चलो तो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर वन इज इन थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज एक्सप्लेन विच अ फैक्टर डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एम्प्लॉयमेंट दैट कॉज फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ इनकम। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या बताया गया है कि नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का क्या फ़र्क पड़ता है इन द लेवल ऑफ इनकम। सो
लेवल ऑफ इनकम पे फ़र्क पड़ता है, देन आउटपुट पे फ़र्क पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट पे फ़र्क पड़ता है। कैसे? अगर देश के पास पैसा होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, देश के पास पैसा ही नहीं तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होने की कोई भी चांसेस नहीं। टू अंडरस्टैंड कैसे होता है, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड। वी हैव स्टडीड द कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। थियोरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ द थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया वहाँ पर कि आपको आप देश ने पूरे ओवरऑल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में ये चीज़ें कहाँ पर मैटर करती है कि कितना कंजम्पशन हुआ है इस साल, एंड देन उसके अलावा सेविंग करके इन्वेस्टमेंट कितना किया है फॉर द फर्दर कंजम्पशन, और उसके बेसिस पे ही क्या जजमेंट होता है, तो ट्रेड साइकिल जजमेंट होता है कितना बिजनेस आएगा। यानी कि ट्रेड साइकिल का मतलब क्या, इन्फ्लेशन भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो जब प्राइस बढ़ जाता है उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, प्राइस कम हो जाता है तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। नंबर टू थियरी इज थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। जनरल प्राइस का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है, सिंपल एजर कोई भी एक कमोडिटी, अगर सिंगल कमोडिटी होती है तो इंडिविजुअल प्राइस होता है, अगर वो बंच या बल्क में है तो वो क्या हो जाएगा, जनरल प्राइस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज हाउ शोज हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड एंड फर्दर एक्सप्लेन व्हाट कॉज फ्लक्चुएशन इन इट। अच्छा, कौन कौन से रीजंस है जो जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन आता है मार्केट में। सो द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस इज सिग्निफिकेंट ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। यस, यहाँ पे आपको समझने की बात है कि अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस अगर कम हो जाती है तो वो डिफ्लेशन होगा। मैंने आपको वही बताया डिफ्लेशन होगा कि, और अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है तो वो डिप्रेशन कहलाती है। जैसे कुछ टाइम में कांदे का भाव बढ़ जाता है तो वो जो टाइम होता है उसको, अभी हाँ मैं करंट एग्जांपल लूँ तो गोल्ड, आप देख रहे हो कि गोल्ड की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, 70 समथिंग है या 65 है, तो बेसिकली ये इन्फ्लेशन होगा। लेकिन अगर 65 की जगह पे वो डायरेक्ट 30 पे पहुँच जाए तो वो डिप्रेशन कहलाएगी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन इज थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये ग्रोथ क्वांटिटेटिव होता है जिसको आप मेजर कर सकते हैं, बट डेवलपमेंट आपको रिजल्ट दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल एजुकेशन में देन हेल्थ में भी ग्रोथ में देखने मिल रहा है। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमें भी देखने मिल रहा है। ठीक, चलो तो आगे बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कैसे? ये एक्सप्लेन करती है कॉज ऑफ अंडर डेवलपमेंट पॉवर्टी, देश का डेवलपमेंट ना होने क्या रीज़न है, एंड देन पॉवर्टी को भी एक्सप्लेन करती है, गरीबी क्यों हो रही है या गरीबी के क्या रीजंस है। ओके, इट ऑल्सो सजेस्ट स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये स्ट्रैटेजीज भी बताती है कि आप ग्रोथ को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो, डेवलपमेंट किस तरह से कर सकते हो, आइदर पावर्टी को किस तरीके से कम करके हम यू कैन से डेवलप कर सकते हैं देश को। ओके, चलो नेक्स्ट वन इज मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे किस तरह चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील विद द रिलेटिव ऑफ रेंट, वेजेस जिसको फैक्टर ऑफ पेमेंट भी कहते हैं, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन द टोटल नेशनल इनकम। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड यस इसके पीछे के वीडियो देखने हो तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट में हम लोग मिलेंगे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।